प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में इंटर्नशिप लेने से पहले आपके पास ऑलरेडी इन चारों में से कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो स्टेप वन आपका यह है कि यार आप जी सॉक करो, ठीक है। अब जी सॉक क्या है जिनको नहीं पता, ये एक लेजेंडरी चीज है, ठीक है। ये मतलब ऑस्कर है, ठीक है, ये कोडिंग की वर्ल्ड का ऑस्कर है। और अगर आपके पास ये होता है ना यार, तो आपको लगभग आप मतलब आप कहीं भी काम कर सकते हो, मतलब आपको गूगल भी इंटरेस्टेड होगा जॉब देने में। और अगर आपका फाइनली वो सिलेक्ट हो जाता है, तो आपको कुछ कैश प्राइस दिया जाता है, लगभग कुछ 2-3 लाख रुपए। और सबसे बड़ी बात यह है यार कि आपको सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपने जी सॉक करा है, ठीक है। उस सर्टिफिकेट को आप छाती पे लगा के कहीं भी घूमो और आपको कोई भी कंपनी जॉब दे देगी। हाय गाइस, मैं हूँ एसके समा और आज मैं एक अलग टाइप का वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं एक इंटरव्यू लूँगा एक बंदे का। इस बंदे ने जीसॉक 2020 क्रैक किया था, तो हम बात करेंगे जीसॉक के बारे में ही। और ये वीडियो देखो यार, जीसॉक को तुम जब तुम सर्च करो ना यूट्यूब पर, तुमको दुनिया भर का वीडियो मिला है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि हाँ चलो ठीक है, आपको ये बता दिया था कि गिट कर लो, गिटहब कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ऑर्गेनाइजेशन ढूंढो, ये करो, वो करो, ठीक है, ये सब चलो ठीक है। लेकिन काम क्या होता है, कैसे काम करते हैं, जैसे इशू होता है तो इशू मिलता कैसे, इशू पे काम कैसे करते हैं, ये सब का कमी रहता है वीडियो सब में, ठीक है। तो ये वीडियो में मैं उसी को ध्यान रखते हुए बना रहा हूँ, थोड़ा प्रैक्टिकल वे में बनाऊंगा, ठीक है। और स्टार्ट करने से पहले एक बात, मैं पहला बार किसी का इंटरव्यू ले रहा हूँ, तो अगर कुछ गड़बड़ हो या कुछ अच्छा ना लगे तो इग्नोर करना, कुछ आपका सजेशन हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। इंटरव्यू लेते समय तो मेरा जैसा हालत ख़राब था, तो थोड़ा समझ लेना और इग्नोर करना, ठीक है। तो आइए इंटरव्यू की तरफ बढ़ते हैं। तो आज जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनका नाम है नमन भाटिया, इन्होंने जीसॉक 2020 क्रैक किया था। तो नमन जी, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। सबसे पहले मैं चाहूँगा नमन जी कि आप अपने बारे में हमारे ऑडियंस को कुछ बताएं। हेलो संकल्प, थैंक यू फॉर सच अ वार्म वेलकम। तो मैं अभी करंटली 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ JP इंस्टीट्यूट नोएडा से। तो मैंने रिसेंटली अभी जो 2020 वाला जीसॉक था वो मैंने क्रैक किया था। मैंने ओपन सोर्स जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कंट्रीब्यूट किया था। तो रिसेंट अभी इस टाइम पे मैं खड़गपुर विंटर ऑफ कोड है जो उसका भी मेंटर हूँ। तो आगे आगे जैसे जैसे क्वेश्चन होंगे तो और जानने को मिलेगा, तो स्टार्ट करते हैं हम। तो नमन जी, आपसे पहला एक क्वेश्चन है कि आपने कोडिंग स्टार्ट कब किया था? आपने कॉलेज में आने के बाद स्टार्ट किया या कॉलेज से पहले कभी स्कूल में भी कोडिंग किया है, फर्स्ट ईयर में किया या सेकंड ईयर में किया, तो इसके बारे में हमें कुछ बताइए। तो कोडिंग का मेरे को आइडिया लगा था 11th स्टैंडर्ड में। मेरे को मैंने जब साइंस जब ली थी तो साथ में एक ऑप्शन होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स में कि आपने C++ ऑप्ट करनी है या नहीं, तो मैंने वो ऑप्ट किया था। तो मेरे को कोडिंग का तो आइडिया स्कूल लाइफ से ही थोड़ा थोड़ा लग गया था। चाहे वो बहुत बेसिक होता है स्कूल लाइफ में, पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप उस वक्त ज्वाइन कर लो C++, आप थोड़ी थोड़ी स्टार्ट करो, तो कॉलेज लाइफ में बहुत ईजिली आपको मतलब चीज़ें बहुत ईजी लगती हैं आपको, अगर आप स्कूल लाइफ में ही थोड़ा बहुत C++ का बेसिक करके आते हैं। तो मैंने भी स्कूल में ही C++ थोड़ी सीखी थी। और कॉलेज में जैसे मैं इंटर हुआ था तो मेरी जैसे सोसाइटीज़ होती हैं कॉलेज की, कोडिंग सोसाइटीज़ होती हैं, डेवलपमेंट सोसाइटीज़ होती हैं, एक हर कॉलेज में DSC सोसाइटी होती है गूगल डेवलपर कप की, तो वो एक बहुत अच्छी सोसाइटी। तो मैं इससे थोड़ा इंट्रोड्यूस हुआ था कॉलेज में आते ही फर्स्ट ईयर में जैसे जैसे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है अपने सीनियर से बात करना जो ऑलरेडी मतलब सोसाइटीज़ में हैं, ऑलरेडी कुछ कर चुके हैं। उनसे मेरी बहुत इंटरेक्शन हुई थी फर्स्ट ईयर में, तो उन्होंने मेरे को बहुत कुछ मतलब बताया था कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिस पर फोकस करना चाहिए फर्स्ट ईयर में। तो और जो जीसॉक की बात है, मेरे एक
सीनियर ने ही मुझे जीसॉक के बाद इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट ईयर में कि ऐसा ऐसा एक प्रोग्राम होता है जिसकी मतलब ऐसे 2 मंथ की ड्यूरेशन होती है और उसमें हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं. तो मेरे को फर्स्ट ईयर से ही जीसॉक का आइडिया मिला था. तो जैसे आपने बोला कि आपने फर्स्ट ईयर में कोडिंग स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, बहुत लोग ये नहीं कर पाते. होता क्या है कि सब नए नए कॉलेज में गए, अडेप्ट होने में टाइम लगता है, नए लोग नए जगह, ठीक है, तो वहाँ क्या होता है कि एक साल खत्म हो जाता है, उसके बाद लगता है कि अच्छा एक सेमेस्टर खत्म, दो सेमेस्टर खत्म, कुछ तो किया ही नहीं अभी तक, अभी तो सब पूरा टाइम पास ऐसे ही खत्म हो गया. ठीक है, तो आपने अपने फर्स्ट ईयर में क्या किया था इसके बारे में हमें कुछ बताइए. हाँ, जैसे कॉलेज में जैसे जैसे एंटर होते हैं तो मतलब बहुत सारी होप्स होती हैं कॉलेज से कि मतलब हम ये सीखेंगे ये सीखेंगे. तो वो होप्स तो आपको जैसे आप सीनियर से मिलोगे ना, वो होप्स वहीं पर आपकी क्लियर हो जाएंगी. तो सबसे बड़ी बात है कि अपने सीनियर से स्टार्टिंग में इंटरेक्शन करो, क्योंकि जो दो चीज़ें होती हैं जैसे एंटर करोगे, एक मतलब क्या एस्पायर करते हो आप, और एक फॉल्स होप्स बहुत होती हैं कॉलेज से. तो जैसे कि मतलब आप जैसे कुछ कुछ बच्चे होते हैं फर्स्ट ईयर में बहुत एक्साइटेड होते हैं और बहुत सारी जैसे हब्स वगैरह ज्वाइन कर लेते हैं कि सारी मेरे को डांस सोसाइटी ज्वाइन करनी है, कोडिंग सोसाइटी ज्वाइन करनी है. तो मतलब ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है मतलब जैसे सेकेंड और थर्ड ईयर में होगे. तो ऐसे ही मेरा भी था, मैं स्पोर्ट्स साइड में भी मेरा बहुत ज़्यादा मन था, कोडिंग भी मेरे को ज्वाइन करनी थी, मैं भी यही सोचता था कि मतलब सब कर लूँ फर्स्ट ईयर में. तो वो सब करना है. हाँ, फर्स्ट ईयर में सब मतलब ऐसे ही होता है, सबका जोश होता है नया नया. तो मेरे को ये सब चीज़ें क्लियर की थी मेरे सीनियर्स ने. मेरे सीनियर्स से जैसे जैसे बात हुई तो उन्होंने मेरे को बताया कि 1 से 2 के बीच में सोसाइटी ज्वाइन करो, मतलब कॉलेज की पढ़ाई करो और साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा करो. मतलब कॉलेज आपको कुछ नहीं सिखाएगा जो आपको काम आएगा, कॉलेज सिर्फ आपको CGPA लाने में हेल्प करेगा. तो आपको जो सीखना है, कोई स्किल डेवलप करनी है, वो आपको खुद से करनी पड़ेगी. चाहे आप वो ऑनलाइन कोर्स करो, यूट्यूब से पढ़ो, या आप कोई जैसे कोडिंग निंजा, कोडिंग ब्लॉग्स, वो ज्वाइन करो. तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप ये समझो कि कॉलेज पे बिल्कुल भरोसे, कॉलेज के भरोसे बिल्कुल मत रहो कि आपको वो सब सिखाएंगे. वो आपको एक सरफेस लेवल की नॉलेज दे देंगे कि ये चीज़ें हैं मार्केट में, अभी ये टेक्नोलॉजी है, पाइथन चल रही है, पर वो आपको पूरा डेवलप नहीं करेंगे. तो मतलब सीनियर्स ने मेरे को यही बताया था कि कैसे कैसे मतलब अपने आप को स्किल्स अपने आप एनहांस करनी है, कैसे बढ़ानी है. तो मतलब सीनियर्स का बहुत बड़ा रोल रहता है फर्स्ट ईयर में आपको क्लियरिटी देने के लिए. तो आपने जैसे ओपन सोर्स के साथ स्टार्ट कैसे किया? जैसे जब स्टार्टिंग करते हैं कोडिंग में तो हम लोग सब टर्मिनल में बेसिक प्रिंट करते हैं, ज़्यादातर पैटर्न प्रिंट करते हैं या फिर अप टू जैसे सम ऑफ एन प्रिंट करते हैं. तो उससे फिर आपने ओपन सोर्स में शिफ्ट कैसे किया? बहुत लोग को ये मुश्किल आती है. तो जैसे मैंने बताया कि मेरे को फर्स्ट ईयर में इंट्रोड्यूस करवा दिया था कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं. और एक जो प्रोग्राम जो मैं अभी जिसका मेंटर हूँ, खड़गपुर विंटर ऑफ कोड, तो इसी टाइम पिछले साल मैंने खड़गपुर विंटर ऑफ कोड में एज अ स्टूडेंट पार्टिसिपेट किया था. तो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्ट मतलब कह सकते बहुत इम्पॉर्टेंट था या बहुत टर्निंग पॉइंट था खड़गपुर विंटर ऑफ कोड, क्योंकि वो ना सिमिलर टू जीसॉक है पर उसमें थोड़ा बेस ईजी है. उसमें मतलब आप जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स आप देखोगे वहाँ पे तो आपको ईजिली मिल जाएगी, ईजिली कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो. बहुत छोटे छोटे इश्यूज होते हैं, जैसे कोई आपको नैप बार बनाना है, नैप बार एडिट करना है, जैसे आपको वेब डेवलपमेंट अगर आती है तो फुटर आपको बनाना है, कलर बैकग्राउंड कलर चेंज करना है. तो बहुत छोटे छोटे इश्यूज वहाँ पे होते हैं जिससे आप स्टार्ट कर सकते हो. तो उसका एम यही है खड़गपुर विंटर ऑफ कोड का, अगर आप उनकी साइट पे जाके देखोगे, कि आपको जीसॉक के लिए एक ओवरव्यू दे सकें. तो वो मैंने पिछले साल इसी टाइम पे पार्टिसिपेट किया था खड़गपुर विंटर ऑफ कोड में और वो मैंने कम्प्लीट किया था. तो उसके बाद जैसे मेरे को थोड़ा आइडिया लगा कि कैसे कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, कैसे गिटहब चलाते हैं, कैसे आपका कोड एक मतलब प्रोडक्शन में लाइव जाता है, कैसे जो आप चेंजेस कर रहे हो सबको दिखें और कितना साफ सुथरा कोड होना चाहिए. तो ये सब मेरे को आइडिया खड़गपुर विंटर ऑफ कोड से ही लगा था. और खड़गपुर विंटर ऑफ कोड मतलब क्या ऑल इंडिया है कि सिर्फ कुछ खड़गपुर का ही रिलेटेड है या कुछ वैसा है? नहीं, उसको कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, कोई भी प्रोजेक्ट उसमें डाल सकता है, ओपन फॉर ऑल है. वो भी जैसे जीसॉक है बिल्कुल सेम है. अच्छा, पर उसमें थोड़ा मतलब बच्चे कम पार्टिसिपेट करते हैं कह सकते हैं, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे कोई पर्क नहीं है. जैसे जीसॉक का स्टाइपेंड आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए बहुत अट्रैक्ट होते हैं बच्चे. तो खड़गपुर विंटर ऑफ कोड एज आप ट्रेनिंग कह सकते हो, ट्रेनिंग फॉर जीसॉक, प्रिपरेशन फॉर जीसॉक, तो उसको आप दे सकते हो. उसमें कुछ आपका हार्म नहीं है. ओपन सोर्स तो मतलब ही यही है कि आप कितना हेल्प कर सकते हो कम्युनिटी में. तो
उसका एक आइडिया मैं आपको बेसिक आइडिया दे देता हूँ क्या होता है। जैसे मैंने कोई एक प्रोजेक्ट बनाया, जैसे मैं इस बार अभी विंटर हूँ खड़गपुर विंटर ऑफ कोड में, तो मैंने अपना कोई भी एक प्रोजेक्ट वहाँ पे पब्लिश कर दिया खड़गपुर विंटर ऑफ कोड में, और जो जो बच्चे कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं मैंने इश्यूज क्रिएट कर दिए हर लेवल के, ईजी, इंटरमीडिएट और डिफिकल्ट। तो जो जो बच्चा जिसमें भी कम्फर्टेबल है वो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लो और आप कंट्रीब्यूट करो। जैसे बहुत सारे कम्युनिकेशन चैनल होते हैं स्लैक, और उस पर ज्वाइन करके आप कंट्रीब्यूट करो। तो बहुत सारे बच्चे अभी, जैसे मैं मेंटर भी कर रहा हूँ, तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनको अभी गिटहब या गिट चलाना नहीं आता, तो ये जो चीज़ें हैं जीसॉक पे ना फेस कर सके, तो इसलिए यहीं रिजॉल्व हो जाती हैं ये वाली चीज़ें, क्योंकि गिट और गिटहब तो मस्ट है जीसॉक के लिए, क्योंकि सारा काम उस पर ही होना है। तो मतलब आपको एक प्रिपरेशन है, बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है आपकी, कि आपको ओवरव्यू मिल जाता है कि करना क्या है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था खड़गपुर विंटर ऑफ कोड का। तो इंटरव्यू को एक मिनट के लिए बस रोक के मैं आपको ये दिखाना चाहता था, ये खड़गपुर विंटर ऑफ कोड का वेबसाइट है, आप आगे इसको चेक जरूर कीजिएगा, ठीक है? सब कुछ दिया भाई कब क्या क्या होता है, ठीक है? तो ये चेक जरूर कीजिएगा। और यहाँ प्रोजेक्ट्स में क्लिक करेंगे तो आपको सब प्रोजेक्ट्स दिखाएगा, ठीक है? तो जैसे यहाँ देखना कि सब में मार्क क्या होगी, कौन सा लैंग्वेज, कौन सा जो फीचर होता है, कहाँ किस में यूज होता है, ठीक है? तो आप आके इसको देखना ज़रूर। जैसे ये प्रोजेक्ट है तो इसमें सी, पाइथन, कंपाइलर, डिज़ाइन ये यूज़ होता है। और अगर आपको नमन भैया का प्रोजेक्ट देखना है तो यहाँ से सर्च कीजिएगा नमन, और देखिए आप आ गया नमन, मेंटर्ड बाय नमन भाटिया, फॉल्स नाइन। तो ये इनका प्रोजेक्ट है, आप जाके इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। नोट जेएस, रिएक्ट जेएस, जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल, सीएसएस, एपीआई, ये सब यूज़ होता है इसमें, ठीक है? तो आप जाओ चेक ज़रूर करो। ऐसा नहीं कि आपको सबका सब एकदम मतलब मास्टर होना चाहिए, करते करते भी सीख सकते हो, ठीक है? और क्योंकि नमन भैया ही मेंटर है, तो आपको अगर कुछ भी डाउट हो तो नमन भैया आपको समझा देंगे कैसे करना, आपको एक डायरेक्शन दे देंगे, ठीक है? तो आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, जाओ कंट्रीब्यूट करो। और ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इसी में करो, बहुत सारा प्रोजेक्ट है, आप किसी में भी कर सकते हो, ठीक है? तो ये भी देखिए होता क्या है, कि बिगनर लोग ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि होता काम क्या है, मतलब काम क्या हो रहा है वही नहीं पता, क्या चेंज करना वही नहीं पता कि क्या क्या कर रहे हैं। बहुत लोग डर जाते हैं कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है मैं क्या कर सकता हूँ। तो क्या आप हमें एक अपना बेसिक सा कंट्रीब्यूशन या पहला जो कंट्रीब्यूशन है वैसा कुछ दिखा सकते हैं, मतलब देख के एक हमें एक इमेज मिल पाए कि अच्छा ये काम हुआ था, हम भी कुछ उसमें से इंस्पिरेशन लेके ऐसा काम हम भी कर सकते हैं, ऐसा हमें कुछ इंस्पिरेशन मिले, एक इमेज मिले। तो जो मैंने सबसे पहले कंट्रीब्यूशन किया था वो तो थोड़ा मेरा एक मिनी प्रोजेक्ट था, कॉलेज का ही मिनी प्रोजेक्ट था वो। अच्छा। अभी हाँ, तो उसमें एक मैंने ये बनाई थी जैसे द ब्रिक ब्रेकर गेम। अच्छा। तो इसमें हमने मतलब मैंने थोड़े जैसे ग्रुप प्रोजेक्ट था ये, तो हमने मिलजुल कर एक ये बनाई थी, पर मैं आपको वो दिखा देता हूँ जो मैंने खड़गपुर ऑफ विंटर ऑफ कोड में किया था। हाँ। ये मेरे खड़गपुर विंटर ऑफ कोड की कमेंट्स थी। तो इसमें मेरा काम था फ्रंट एंड डेवलपर का, तो मैंने इसमें जो किया था ये मेरी पुल रिक्वेस्ट थी, जो इसमें ये होता है कि आपको कुछ टाइम पीरियड में एक पुल रिक्वेस्ट अप्रूव करवानी पड़ती है, मर्ज करवानी पड़ती है, तो आप सक्सेसफुल अगर अगले राउंड में जा सकते हो खड़गपुर विंटर ऑफ कोड में। तो okay. ये मैंने एक इनका जो डिमांड था प्रोजेक्ट का उसके हिसाब से मैंने एक फुटर डिजाइन किया था। अच्छा। तो ये मेरी पहली पुल रिक्वेस्ट थी। इसमें भी बहुत प्रॉब्लम्स आती थी कि मेरे को गिटहब अच्छे से चलाना नहीं आता था, मैं कुछ मतलब क्या मर्ज करना है, कौन कौन सी फाइल मर्ज करनी है। तो ये जो मेरे मेंटर थे इन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प करी थी कि कैसे आप कंफर्टेबल हो सको गिटहब और हिट से, तो वो बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था। मतलब मेंटर भी हेल्पफुल थे बहुत, उन्होंने भी बहुत हेल्प करी। और ये जो मेरे मेंटर थे मतलब इन्होंने ही मेरे को जीसॉक के बारे में भी थोड़ा कुछ मतलब बताया, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में, जैसे आप आगे पूछोगे तो मैं बताऊंगा इनके बारे में भी। हाँ। तो ये मेरी पहली पुल रिक्वेस्ट थी। अच्छा, तो ये नमन भैया का गिटहब पेज हो गया, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप आके देखेंगे तो यहाँ इनका कंट्रीब्यूशन दिखाएगा। तो आपको अगर इनके और भी कंट्रीब्यूशन के बारे में जानना है तो आके इसको चेक कीजिएगा, ठीक है? जैसे यहाँ क्लिक करें तो 9 कंट्रीब्यूशन यहाँ, तो यहाँ दिखाया कि अच्छा इस दिन इन्होंने ये कंट्रीब्यूट किया था। फिर जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो अच्छा यहाँ दिखाएगा, तो यहाँ देखिए दिखा रहा है कि अच्छा इस दिन इन्होंने ये कंट्रीब्यूट किया था। तो आप खोल के देख सकते हैं कि क्या क्या कंट्रीब्यूट हो रहा है, क्या क्या काम हो रहा है, ठीक है? तो सब इसमें आपको दिखा देता है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं अगर आपको और भी जानना है तो। और अभी नमन भैया ने बोला कि इन्होंने फुटर बनाया, तो फुटर ये पार्ट होता है वेबसाइट का। अगर आपको और अच्छा एग्जांपल चाहिए तो ये देखिए, ऐसा आप बहुत सारे वेबसाइट में देखेंगे। तो ये पार्ट जो होता है वेबसाइट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट का रहता है, टेस्टिमोनियल रहता है, ईमेल रहता है, बहुत कुछ रहता है, ठीक है? सोशल मीडिया का सब हैंडल रहता है। तो ये पार्ट बहुत एक मतलब वेबसाइट के लिए काफ़ी ज़रूरी रहता है। तो जो वेबसाइट था उसमें ये पार्ट था नहीं, तो नमन भैया ने यही पार्ट को बनाया था।
तो ये ऐसे ही काम होते हैं, जो चीज़ नहीं है उसको ऐड करो या फिर जो पहले से है उसको इम्प्रूव करो, ठीक है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो मेरे पास जनवरी तक का टाइम मेरा यूटिलाइज हो चुका था इसमें ये सब करने में। तो उसके बाद ये जो मेरे मेंटर थे कार्तिक सर, इन्होंने मतलब मेरे को बहुत हेल्प करी, इन्होंने मेरे को टिप्स वगैरह दी क्योंकि ये खुद जीसॉप कर चुके थे। अच्छा। तो बहुत ज़्यादा मेरे को हेल्प मिल गई इनसे। तो इन्होंने कुछ चीज़ें बताई थी जो मैं आपसे भी शेयर करूँगा कि ऑर्गेनाइजेशन चूज करना जीसॉप का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ऑर्गेनाइजेशन चूज करना। तो ये चीज़ें ज़रूर ध्यान रखनी होती है ऑर्गेनाइजेशन चूज करते हुए कि उस ऑर्गेनाइजेशन में आपकी जो स्किल्स हैं वो मैच हो रही है नहीं हो रही, मतलब जो उनके प्रोजेक्ट लिस्ट किए हुए उन्होंने उनमें, जैसे प्रोजेक्ट में जैसे मैं फ्रंट एंड डेवलपर का जैसे मैंने काम किया, तो मैं प्रोजेक्ट जो ढूंढूंगा वो अपने हिसाब से ढूंढूंगा। मतलब ऐसे बहुत सारे आप देखोगे पाइथन के प्रोजेक्ट मिल जाएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मिल जाएंगे, डेटा साइंटिस्ट के प्रोजेक्ट जी सॉफ्ट। तो इससे तो यही सॉर्ट हो जाते हैं बहुत सारी प्रोजेक्ट और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, यहीं पर ही सॉर्ट हो जाती है कि आपका टेक स्टैक क्या है, आप किस में कंफर्टेबल हो, आप किस में कंट्रीब्यूट करना चाहते हो। तो पहला स्टेप तो ये हो गया। दूसरा स्टेप है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका कम्युनिकेशन चैनल कितना अच्छा है, क्योंकि जी सॉक आप जब क्लियर कर लोगे फर्स्ट राउंड, जब आप अप्रूव हो जाओगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी यही होगी कि आप कितने रेगुलरली कम्युनिकेट कर सकते हो अपने मेंटर से, ऑर्गेनाइजेशन से। तो आप जैसे जैसे ज्वाइन करोगे, अब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में ना मेलिंग लिस्ट होती है, तो वो इतना कंफर्टेबल कभी हम है नहीं मेलिंग लिस्ट से। अब कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन में स्लैक होता है, स्लैक से बहुत ज़्यादा लोग मतलब थोड़े जान पहचान के होंगे स्लैक लोगों के लिए। डिस्कॉर्ड होता है और गिटर होता है, मतलब गिटहब और इसको लिंक करने के लिए कम्युनिकेशन के लिए। तो जैसे जैसे आप जिसका कम्युनिकेशन चैनल में आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो ना, वो वाली ऑर्गेनाइजेशन आप पहले प्रेफर करो, क्योंकि जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगी तब तक मतलब जी सॉक आपको समझ ही नहीं आएगा जी सॉक एक तरह से, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कम्युनिकेशन है जी सॉक की। तो एक चीज़ तो हो गई ये आपके टेक स्टैक क्या है, दूसरी होगी कम्युनिकेशन चैनल कितना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन का, और तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको कि बहुत सारे बच्चे एक एक साल से कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं जी सॉक में, तो अब जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन को 2 से 3 अगर बच्चे को स्लॉट मिला चूज करने का, तो वो जनरली उन्हें ही प्रेफर करेंगे जो बहुत टाइम से कंट्रीब्यूट करते आ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है कि कितने बच्चे ऑलरेडी उस ऑर्गेनाइजेशन में हैं। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन देखनी चाहिए जिसमें अभी अभी नए नए बच्चे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने आप को, जो अभी कोड बेस से फेमिलियर हो रहे हैं। तो उससे ये है कि एक चांस बढ़ जाता है आपका कि आप भी सेम बोट पे हो उनके जैसे, सेम अभी अभी स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि अब जो एक साल से कंट्रीब्यूट करते आ रहे हैं तो मतलब मोस्ट प्रोबेबली उन्हें ही प्रेफर करते हैं ऑर्गेनाइजेशन वाले। तो ये वाली चीज़ें बहुत मैटर करी थी मेरे को भी। तो मैंने क्या किया था, मैंने 3 से 4 ऑर्गेनाइजेशन शॉर्टलिस्ट कर ली थी ये फैक्टर्स को ध्यान रखते हुए, और हर हर उसके ऑर्गेनाइजेशन के कम्युनिकेशन चैनल में इंट्रोड्यूस किया और उनको बोला कि मैं जैसे जी सॉक करना चाहता हूँ, कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। तो उन वहाँ पे जो इश्यूज होते हैं, कुछ बहुत बिगनर लेवल इश्यूज होते हैं, वो आपको असाइन करेंगे, वो आप उस पे काम करोगे, और जैसे जैसे कम्युनिकेशन होगी आप होगा कंफर्टेबल आपको लग रहा है वो प्रोजेक्ट। तो इस तरह मैंने 3 या 4 ऑर्गेनाइजेशन में से अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन चूज करी और उसके लिए मैंने प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाया और यही मेरी जर्नी थी उस टाइम पे। तो अगला क्वेश्चन ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में प्रोजेक्ट सब रहते हैं वो प्रोजेक्ट्स काफ़ी बड़े बड़े रहते हैं, मतलब हज़ारों लाइन का कोड रहता है, तो वैसे उतना बड़ा प्रोजेक्ट में हम कहीं बीच से घुस के कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम कैसे उसमें पार्ट ले सकते हैं, उस कोड बेस को समझे कैसे, इसके बारे में कुछ हमें बताइए। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि मतलब जो आपका प्रपोजल सबमिट करने से पहले वाला फेज़ होता है ना, जब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हो ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट फेज़ है जी सॉक का। उसमें आप मेंटर है जो आपका ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं, उनसे जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हो सकते हैं ना, क्वालिटी क्वेश्चंस, मतलब बिल्कुल नूब क्वेश्चन मत पूछना, थोड़े मतलब जेन्युइन क्वेश्चंस जो डाउट अराइज हो सकते हैं वो क्वेश्चंस पूछते रहो। तो मतलब बिल्कुल भी हेजिटेट मत करो क्वेश्चंस पूछने से, क्योंकि वो हमारी हेल्प करने के लिए ही है वहाँ पे। तो जैसे अगर मेरे को
जब मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मेरे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ओपन सोर्स थी, तो जैसे बहुत लोगों को पता होगा ये लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन की ऑर्गेनाइजेशन है, तो मेरे को लिनक्स चलाना बिल्कुल नहीं आता था उस वक्त। और तो मैंने जैसे इंट्रोड्यूस किया अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन में, तो मेरे को एक दो मेंबर ने असाइन कर दिया कि ये आपका टास्क है, आप ये करो, इस पर काम करो। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं जैसे रन कर रहा था कोड, तो मेरे से नहीं है। तो उनका ये था कि लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन में ही उनका कोड काम करता है, और मेरे को लिनक्स चलाना आता नहीं था, ना इंस्टॉल करना आता था। तो मैंने उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताई कि ऐसे ऐसे मेरे को लिनक्स चलाना नहीं आता अभी। तो उन्होंने पूरा मेरे को बताया कि ये आपको लिंक्स प्रोवाइड करे, यहाँ से आप देखो, यहाँ से हेल्प लो, यहाँ से रेफर करो। तो ये सीख सीख के मैंने लिनक्स डालना सीखा, लिनक्स चलाना सीखा। तो फर्स्ट स्टेप तो मेरा ही मतलब कोड बेस, तो बाद में पहला मेरा स्टेप यही था कि मैं लिनक्स कैसे चलाऊँ। तो जो उनके मेंटर्स थे और मेंबर्स थे, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी। और हेल्प इसलिए करी क्योंकि मेरे कम्युनिकेशन उनसे बहुत अच्छा था, कि मैं उनसे पूछता रहता था, उनको अपनी प्रॉब्लम्स बताता रहता था कि मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, अब मेरी ये प्रोग्रेस हो गई है, मैंने लिनक्स डाल दिया, आगे क्या करूँ। तो अपडेट्स उनको देते रहो, हमेशा अपने अपडेट्स देते रहो, क्योंकि मेरे को जहाँ तक पता है और जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन मेंबर थे वो इतना कम्युनिकेट नहीं करते थे। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन में से एक ही बच्चा जो सिलेक्ट हुआ था वो मैं ही था। तो मतलब ये कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन इज द की फॉर जीत। तो भैया, जब हम कोई नए प्रोजेक्ट का कोड बेस को समझते हैं, तो हमें कितना टाइम लग सकता है उस कोड बेस को समझने में? जैसे बहुत लोग क्या करेंगे कि एक दिन देखेंगे, दो दिन देखेंगे, कोई 10 दिन देखेगा, ठीक है, लेकिन फिर भी होता है कि समझ में नहीं आता। बहुत लोग तो उसको 10-15 मिनट देखेंगे, उस सारा देखेंगे नहीं, बोलेंगे क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, बंद करके चले जाएंगे। तो आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए कि हमें कितना टाइम लग सकता है कोड बेस को समझने में। तो मेरे को तो जब जीसॉक के लिए मैं सिलेक्ट हो गया था, तब भी मेरे को इश्यूज थे कि वर्क फ्लो क्या करना है, वर्क फ्लो क्या बनेगा, कि मैं काम कैसे करूँ, क्योंकि जो उनकी टेक्नोलॉजी थी वो अलग थी, थोड़ी नॉर्मल फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी नहीं थी, थोड़ी मतलब उनकी डॉक्यूमेंटेशन साइट थी तो थोड़ी डिफरेंट थी। तो वो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिपेंड करता है। तो नॉर्मली, और अगर आप मतलब फेमिलियर होना चाहते हो, तो बेस्ट तरीका यही है कि जो ऑलरेडी उस पर काम कर रहे हैं, आप उसके टच में रहो, उनको बताते रहो क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो अगर आप ऐसे ऐसे टच में रहोगे, वो हेल्प करेंगे आपकी, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप साथ साथ काम कर सकते हो, साथ साथ समझ सकते हो। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको टच भी नहीं करनी होती कोड बेस में, आपका काम क्या है और आपको क्या करना है जीसॉक में, और बाकी जो ऐसी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं वो आपको यूज़ भी नहीं आएगी जीसॉक में। तो इससे हेजिटेट मत हो कि कितना कॉम्प्लेक्स कोड बेस है, कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। बस ये है कि जो आप काम करना चाहते हो उसके बारे में डिस्कस करो, और उनसे पूछो कि मैं अपना वर्क फ्लो कैसे बनाऊँ, कि मतलब कैसे इस पर काम कर सकता हूँ मैं, मेरे को ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इससे थोड़ी आसानी हो जाती है कोड बेस को समझने में और आपके काम का वर्क फ्लो बनने में, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो भैया, अगला सवाल ये है कि जैसे जिस प्रोजेक्ट में हम काम कर रहे हैं उसमें बहुत लोग जैसे इशू जनरेट करते हैं, तो वो इशू को हम कैसे जनरेट करें, मतलब जनरेट कैसे करें? कहने का मतलब ये है कि जैसे उस कोड में कुछ बग्स रहता है, तो बग्स को हम कैसे खोजें, हम क्या कर सकते हैं कि वो बग्स हमें मिले, तो इसके बारे में हमें कुछ बताइए। तो सबसे पहले जो मेरा जो प्रपोजल सबमिट करने से पहले वाला फेस था, उसमें मैंने कोई पीआर करना अलाउड नहीं था, क्योंकि उनके अपनी एक पॉलिसी होती है हर ऑर्गेनाइजेशन की। तो उनकी पॉलिसी ये थी कि अगर आप अभी सिर्फ कोड बेस समझो और देखो क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या हुए, तो मैंने कोई पीआर सबमिट नहीं की थी। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, पीआर पहले ही सबमिट कर देते हैं, तो वो मैंने नहीं किया था, और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में से किसी ने भी नहीं किया था, क्योंकि हमें अभी अलाउड नहीं था। तो इशू जो क्रिएट करने होते हैं ना आपको, उनके जैसे जो प्रोडक्ट है उनका, जैसे किसी की वेबसाइट है ऑर्गेनाइजेशन की, आप उस वेबसाइट पे एज अ यूज़र स्क्रॉल करो, आप सारे फंक्शन टेस्ट करो, हर एक चीज़ को देखो, और जो आपको जैसे कोई बटन कोई काम नहीं कर रहा, तो ये जैसे एक इशू हो गया, इसको रिपोर्ट करो अपने मेंटर्स को। ये छोटे छोटे इश्यूज होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे बग्स फाइंड करने जैसे कहते हैं, जैसे आप कोड में ही जैसे कह लो, जैसे प्रिंट टू एन नंबर्स, जैसे आपने प्रोग्राम बनाया पर वो n-1 तक चल रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत आ रही है, तो ये जो बग्स होते हैं ना, वैसे ही बग्स उसमें ढूंढने पड़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन। मतलब खोजना है, इशू खोजना है, तो पहले प्रोडक्ट को खुद यूज करो, एज अ यूजर। अच्छा, यूजर, एज अ यूजर आप खुद देखो उनकी साइट की क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी आपको बिल्कुल नए प्रोजेक्ट पे काम करना मतलब बहुत कम होते हैं ऐसे, बट 30% बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नए प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। मोस्टली आपको
उनके कोड बेस पे ही कॉन्ट्रीब्यूट करना होता है। तो ऑलरेडी जो कोड है उसको इम्प्रूव करना है, तो बेस्ट तरीका यही है कि आप एक बार उसको यूज करके देखो क्या क्या इम्प्रूव कर सकते हैं हम। तो ये इशू क्रिएट करने का ये सबसे अच्छा तरीका है, और ऐसे ही फॉलो करना चाहिए कि खुद आप एक बार यूज करो और फिर आप इश्यूज या तो आप सीधा गिटहब पे आप रिपोर्ट कर सकते हो इशू, या आप अपने मेंबर्स को या मेंटर्स को आप रिपोर्ट करो। तो भैया क्या आप कुछ एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कुछ आपको कुछ बग मिला हो या फिर कुछ नए फीचर ऐड करने के लिए आपने एक इशू जनरेट किया होगा, तो क्या आप वो हमें दिखा सकते हो क्या? हाँ, तो ये डॉक्यूमेंटेशन साइट है जिस पे मैंने काम किया था, तो अभी ये बिल्कुल अपडेट नहीं हुई, इसका जो एक वर्जन पीछे है। तो इसमें उस वक्त क्या इशू था कि जैसे हम यहाँ पे आप देख रहे हो ना डॉक्यूमेंटेशन साइट है, तो ये जो कंटेंट्स वाला पार्ट है जिसे मैं आपको दूसरे पेज पे कहीं लेके जाता हूँ, तो जैसे ये कंटेंट वाला पार्ट है जो राइट साइड में ये वाला, तो उस टाइम ये अवेलेबल नहीं था इस साइट में। तो डॉक्यूमेंटेशन साइट के हिसाब से मेरे को अगर काम करना था तो सबसे मैंने पहले रिसर्च करी कि क्या क्या कौन कौन सी साइट्स हैं डॉक्यूमेंटेशन की, मैंने देखा कि क्या क्या उनमें फीचर्स होते हैं। जैसे आप ये ऊपर देख रहे हो ब्रेड क्रम्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है डॉक्यूमेंटेशन साइट का। जैसे ये साइड में कंटेंट्स हैं, तो जैसे अगर सपोज बहुत बड़ा पेज है आपको सेक्शन में स्क्रॉल करना है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है कि आप सीधा उस सेक्शन पे पहुंच सको। तो ये मैंने सजेस्ट किया था कि ये फीचर हम ऐड कर सकते हैं। और जैसे ये ब्रेड क्रम्स वाली मैंने आपको बात बताई, तो ये जो डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से मैंने रिसर्च करी, बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन साइट्स पे गया अलग अलग प्रोडक्ट्स, क्योंकि हर प्रोडक्ट का एक डॉक्यूमेंटेशन पेज होता ही होता है, डॉक्यूमेंटेशन साइट होती है। तो मैंने हर किसी साइट पे रिसर्च करी, गूगल पे रिसर्च करा बहुत सारा कि क्या क्या फीचर्स ऐड कर सकते हैं। तो ये मेरा मतलब फर्स्ट इशू था जिसमें मैंने काम किया कि ये सजेशन मैंने दी कि इसमें हम ये डाल सकते हैं, जैसे अगर बहुत बड़े पेज हो तो हम सीधा सेक्शन में स्क्रॉल कर सकें। तो ये मेरा फर्स्ट इशू था जिसमें मैंने काम किया। तो अभी जो नमन भैया ने बताया मैं वही समझा दे रहा हूँ, यहाँ पे अच्छे से खाली दिखा दे रहा हूँ। तो ये सब देखो यहाँ पे, ये तो डॉक्यूमेंटेशन वेबसाइट है, यहाँ पे सब दिया हुआ है, ठीक है, बहुत कुछ लिखा हुआ है, और यहाँ साइड में कंटेंट्स दिया है। तो जैसे हम क्लिक किए मॉडिफिकेशन में तो मॉडिफिकेशन पार्ट में पहुँच गए, हम क्लिक किए तो टर्मिनेशन में तो टर्मिनेशन पार्ट में पहुँच गए, ठीक है, ये सब चलो ठीक दिया हुआ है। मान लो अगर ये नहीं रहता तो ये कुछ ऐसा दिखते हैं, देखिए कंटेंट्स वाला पार्ट है नहीं, तो अब हमें जैसे टर्मिनेशन में जाना है तो क्या करेंगे, स्क्रॉल करो स्क्रॉल करो स्क्रॉल करो स्क्रॉल करो स्क्रॉल करो करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ठीक है, तो हम पहुँचेंगे, ठीक है। तो ये देखो इतना हो गया, मान लो दो तीन लाइन का हो तो चलो चलेगा, ठीक है, लेकिन इतना बड़ा पेज हो तो स्क्रॉल करने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो उससे बढ़िया है कि यहाँ पे सब हम लिख दिए, जहाँ क्लिक करें हम डायरेक्ट पहुँच जाएंगे। तो इससे क्या हुआ कि एक इम्प्रूवमेंट हुआ वेबसाइट में, ठीक है, जीवन थोड़ा आसान हो गया इससे। ऐसा नहीं था इससे काम, इसके बिना काम नहीं चल रहा था, इसके बिना काम चल रहा था, लेकिन इसके आने का साथ हमारा यहाँ पे काम आसान हो गया, ठीक है। तो यही सब काम होता है कि आप किसी चीज़ को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, ठीक है, किसी चीज़ को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, या फिर ये जो नया फीचर, ये नया फीचर को ऐड कैसे किए, कोई नया फीचर ला के हम इस वेबसाइट को इम्प्रूव किए, तो यही सब होता है, आपको देखना पड़ता है। और ऐसा नहीं होता कि कुछ फिक्स होता है कि यही चीज़ होगा, आपको ये खुद से अंदर से लाना पड़ेगा, क्रिएटिविटी दिखाइए, या फिर जैसे आप, जैसे ये डॉक्यूमेंटेशन वेबसाइट है, ठीक है, तो आप बाकी डॉक्यूमेंटेशन वेबसाइट में जाके देखिए कि अच्छा यहाँ पे ऐसे है तो हम वो फीचर भी वहाँ ऐड कर सकते हैं। तो ये यही सब होता है। और एक चीज़ मुझे जो बग टाइप का दिखा है वो क्या है कि देखो, जैसे हम यहाँ, मैं मॉडिफिकेशन में क्लिक किया तो मॉडिफिकेशन के हम थोड़ा नीचे आ रहे हैं, थोड़ा सा अगर ये यहाँ ऊपर में आता तो ज़्यादा सही रहता, ठीक है, तो ये आधा चीज़ कट जा रहा है, दो तीन लाइन कट जा रहा है। जैसे यहाँ भी क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ भी दो तीन लाइन कट गया है, तो ये थोड़ा ऊपर से आना चाहिए था। तो ये मुझे बग टाइप का दिखा है, आप जाके इसको इशू भी जनरेट कर सकते हैं इसके जो प्रोजेक्ट का जो गिटहब पेज है वहाँ पर। तो आइए अब इंटरव्यू की तरफ वापस बढ़ते हैं। तो भैया आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, हमने जब पुल रिक्वेस्ट जनरेट किया, हमने बहुत मेहनत की, हमने बहुत काम किया, और उसके बाद हमने पुल रिक्वेस्ट जनरेट किया, ठीक है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि कभी कभी वो एक्सेप्ट नहीं होता, वो रिजेक्ट हो जाता है। तो क्या आपके साथ कभी ये ऐसा हुआ है, और अगर हुआ तो मैं चाहूँगा कि आप सबके साथ ये कहानी शेयर करें। एक्चुअली ये जो जैसे पुल रिक्वेस्ट जो थी, ये मेरी थी लास्ट पुल रिक्वेस्ट, जो मतलब जीसॉक बिल्कुल एंड होने वाला था, और मेरे लास्ट मतलब लास्ट काम लास्ट बैच था जिस पे मेरे को काम करना था, और वो पुल रिक्वेस्ट थी जो मैंने अपने तरफ से कोड जो लिख दिया था, पर वो एक जैसे आप जैसे कोई भी पुल रिक्वेस्ट करोगे तो वो अप्रूव होनी चाहिए आपके मेंटर से, आप ऐसे ही पुश नहीं कर सकते, आप ऐसे ही कमिट अपने मास्टर में नहीं पुल कर सकते, वो कर सकते पुश नहीं कर सकते। तो जब तक अप्रूव नहीं होती तब तक वो पुल रिक्वेस्ट ऐसे ही रहती है। तो ये मेरी लास्ट पुल रिक्वेस्ट थी, मतलब लास्ट बैच था जिस पे मैं काम कर रहा था, जीसॉक का लास्ट फेज।
तो ये पुल रिक्वेस्ट एक मेंबर्स ने अप्रूव कर दी थी पर दूसरे ने अप्रूव नहीं की थी, तो ये इसके पीछे एक बड़ी स्टोरी है, मैं आपको दिखाता हूँ अपनी पुल रिक्वेस्ट स्क्रीन शेयर करके वो वाली। तो ये मेरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट थी जीसॉक की, ये आपको मतलब जब आप कंप्लीट करते हो लास्ट फेज पे तो ये आपको बनानी पड़ती है। आप या तो मीडियम पे ब्लॉग लिखो या तो ऐसे गेटअप पे रीडमी फाइल बनाओ, तो ये आपको बनानी पड़ती है, आपको रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है कि क्या किया था आपने। तो जो मेरी पुल रिक्वेस्ट थी लास्ट वाली ये थी, तो इसमें मैंने क्या किया था, एक लैंग्वेज सिलेक्शन, जैसे डॉक्यूमेंटेशन साइट है तो एक लैंग्वेज सिलेक्शन का फीचर प्रिपेयर करना था कि जैसे आप जैसे जर्मनी में रिसाइड करते हो तो आपको जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज में अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना है तो वो कैसे आप सिलेक्ट कर सको, स्पेनिश में पढ़ना है तो वो कैसे सिलेक्ट करना है। तो ये मेरी पुल रिक्वेस्ट थी, इसमें मैंने इसमें बहुत ज़्यादा हेल्दी डिबेट हुई थी। तो इशू इसमें ये था कि ना मैंने अपना जो कोड लिखा था ना वो लिखा था जो हमारे पास प्रेजेंट लैंग्वेजेस हैं, जैसे मान लो मेरे पास 3-4 लैंग्वेजेस अभी सैम्पल के लिए हैं तो उसके हिसाब से मैंने कोड लिखा था। तो वो जेनरिक कोड नहीं था कि जैसे आप मान लो 10 और 20 लैंग्वेजेस और ऐड करनी है तो बार बार हमें उसके लिए कोड अपडेट करना पड़ता था। तो वो जेनरिक सॉल्यूशन नहीं था कि सीधा जैसे ही अपने आप लैंग्वेज आए तो वो अपडेट हो जाए। तो इसके लिए एक जो मेंटर था मेरा उसने अप्रूव करा था, पर दूसरे मेंटर ने ये इशू मतलब रेज किया था कि इसको एक जेनरिक कैसे बना सके, जो अभी प्रेजेंट वर्जन है कोड का वो सही था पर जेनरिक सॉल्यूशन इसको आगे के लिए फ्यूचर रेडी कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए इन्होंने इशू क्रिएट किया था। तो इस पर बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स हैं बहुत सारी डिबेट चली थी, जैसे आप ये देख रहे हो कमेंट्स, कम से कम 17-20 कमेंट्स थे इसके ऊपर, मैंने भी अपना इनपुट दिया और ये सब मतलब बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन मेंबर का आपस में भी डिबेट हुआ, आपस में भी मीटिंग हुई। तो ये मेरी एक पुल रिक्वेस्ट थी जिसपे बहुत मतलब जो मर्ज नहीं हुई थी इंस्टेंटली, पर लास्ट में जैसे जैसे हमने चेंजेस करे और जेनरिक बनाया इसे मतलब डिसाइड वो डिस्कस करके कि इसे और कैसे बेटर कर सकते हैं, तो वो धीरे धीरे चेंज करके तो इसे अराउंड मेरे को इस पुल रिक्वेस्ट को मर्ज होने में कम से कम 1.5 हफ्ता लग गया होगा इसको मर्ज करने में, पूरी डिस्कशन हुई और सब हुई। तो ये मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी था एक तरह से कि कैसे जेनरिक करना चाहिए सॉल्यूशन अपने आप, कैसे साफ सुथरा कोड लिखना चाहिए हमेशा कि आपके प्रोडक्ट को हर कोई यूज करेगा तो आपको इस रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है इस चीज़ की अपने कोड की। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था एक इस पुल रिक्वेस्ट से। तो भैया आप ये मान के चलो कि मुझे एक बेसिक लैंग्वेज आता है, उसका इफ एल्स फॉर लूप व्हाइल लूप सब कुछ मुझे आता है, ठीक है, लेकिन यहाँ से जब मैं गिटहब खोला तो वो देख के मुझे डर लग गया कि भैया ये क्या है, तो ऐसा तो कुछ साइन मैं टेरुलिन में प्रिंट करता हूँ द सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, तो यहाँ से मैं ओपन सोर्स में शिफ्ट कैसे हूँ, इसके लिए कुछ एडवाइस दीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट और मतलब जो आपको इस डर को निकालने में हेल्प करेगा वो है कि ओपन सोर्स में आप एक बार एंटर करो, आप गिटहब चलाओ, गिटहब सीखो, क्योंकि गिटहब आप एक बार चलाओगे ना तो बहुत सारे वहाँ पे इश्यूज ऑलरेडी प्रेजेंट हैं जो मतलब प्रमोट करते हैं बिगनर को। जैसे आपको पता होगा एक हेक्टोबर फेस्ट होता है वो अक्टूबर के मंथ में होता है, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जो प्रमोट करते हैं बिगनर्स को आने में गिटहब के लिए, ओपन सोर्स सोसाइटी में आने के लिए प्रमोट करते हैं। जैसे एक खड़गपुर विंटर ऑफ कोड का नाम लिया मैंने, और ऐसे होते हैं स्क्रिप्ट विंटर ऑफ कोड और हेक्टोबर फेस्ट, तो ऐसे ऐसे जो प्रोग्राम्स हैं उसमें पार्टिसिपेट करो, उसमें आप कॉन्ट्रीब्यूट करोगे आपको पता चलेगा, आपको मिक्स एक्सपीरियंस होंगे, कभी कभी आप बहुत गंदा काम करोगे, बहुत कभी कभी बहुत अच्छा काम करोगे जो अप्रिशिएट भी होगा, तो इन एक्सपीरियंस से ही आपको आपका जो अंदर का डर है वो बाहर निकलेगा। सब मेन डर क्या होता है कि मैं जो कोड लिख रहा हूँ वो उनको पसंद आएगा नहीं आएगा, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ये सब जो फियर होता है वो इन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करके मतलब ईजिली निकल जाता है। तो मैं सजेस्ट यही करूँगा जैसे आप एक लिस्ट बनाओ ओपन सोर्स प्रोग्राम्स की, हेक्टोबर फेस्ट, के वॉक, एस वॉक, ये सब बहुत सारे ऐसे ओपन सोर्स प्रोग्राम्स हैं जो थ्रू आउट द ईयर चलते रहते हैं, तो इनमें पार्टिसिपेट करो अगर आपका ये जो डर है वो निकालना है। जितना आप कॉन्ट्रीब्यूशन करोगे उतना आपका मतलब बेटर होता रहेगा, एक्सपीरियंस के साथ बेटर हो गया, आप मैं यही कहूँगा। तो इस डर भगाने वाला पार्ट में मैं भी कुछ ऐड करना चाहूँगा।
इसमें मैं आपको दो तरीके बताता हूँ। पहला तरीका यह है कि आप एक प्रोजेक्ट बनाओ, उसको गिटहब पे अपलोड करो और उसमें से जैसे जैसे फीचर ऐड करते जाओगे, ठीक है, या कुछ उसका कोड बेस को अपडेट करोगे तो उसको गिटहब में उसको अपलोड करो, उसको पुल रिक्वेस्ट करो, उसको मर्ज करो, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि तुम्हारा काम कैसे होता है, पुल रिक्वेस्ट काम कैसे करता है, मर्ज कैसे काम करता है, ये सब कैसे काम करता है, गिटहब कैसे काम करता है, आपको इसका पूरा अच्छा से एक आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका होता है एक आसान तरीका। आसान तरीका में आपको क्या सीन है कि आपको एक कोर्स लेना पड़ेगा। ये कोर्स गीक्स और गीक्स द्वारा, ये फुल स्टैक डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट का कोर्स है, ठीक है। आपको सिर्फ थ्योरी पढ़ा के नहीं भगा दिया जाएगा, इसमें आपको रिएक्ट और नोड जेएस पढ़ाया जाएगा। और यहाँ देखो क्या सीन है, इसमें आपको प्रोजेक्ट बनवाया जाएगा, ठीक है। प्रोजेक्ट बेस्ड, मतलब आपको ऐसा नहीं है सिर्फ हाँ ये सब होता है, चलो ये है, ये फॉर लूप हो गया, ये हो गया, वैसा कुछ नहीं। इसमें आपको प्रोजेक्ट बनवाया जाएगा, ठीक है। प्रोजेक्ट बनाने से आप वैसा प्रोजेक्ट को अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हैं, मैंने ऐसा प्रोजेक्ट बनाया। दूसरा काम क्या कर सकते हैं कि थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में आपको जब कॉलेज प्रोजेक्ट मांगता है तो यही प्रोजेक्ट चिपका सकते हो, ठीक है। एक काम ये हो गया। और इसमें क्या है कि इस कोर्स में एक ऐसा एक फीचर है, ये क्या है कि इंटर्नशिप का आपको मौका मिल सकता है गीक्स और गीक्स में। मतलब गीक्स और गीक्स आपको खुद हायर कर लेगी कि आओ मेरे साथ काम करो वेब डेवलपमेंट में। मतलब गीक्स और गीक्स का जो वेबसाइट है उस पर आपको काम करने का मौका मिलेगा, इंटर्नशिप का मौका। इंटर्नशिप में अच्छा काम करोगे तो आपको हायर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस कोर्स का खास बात है कि इंटर्नशिप का मौका मिल सकता है। और 6 महीने तक आपको एक्सेस रहेगा, ये लाइव कोर्स है, ठीक है। इसमें आप इंटरेक्ट भी कर सकते हैं, ये प्री रिकॉर्डेड नहीं है। ये पढ़ाया जा रहा है आपको, प्रवीण कुमार है इंस्ट्रक्टर, ये माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हैं, तो इनसे भी आप पूरा इंटरेक्ट करके जान सकते हैं कैसे काम होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट पर आपको कुछ पता चल सकता है, ठीक है। तो ये आपको पढ़ाएंगे, लाइव पढ़ाएंगे और प्रोजेक्ट बेस्ड रहेगा, तो ये काफ़ी अच्छा कोर्स है। और ये देखो यहाँ 10999 का है, तो यहाँ प्राइस 10999 दिया है। 10999 आपका नहीं लगेगा, आप जब रजिस्टर करेंगे तो एक कूपन मांगिए, तो कूपन में एंटर करना SK SAMA GFG। तो उससे क्या होगा कि आपका यहाँ पे फ्लैट 10% और ऑफ हो जाएगा, कोई अप टू नहीं है। यहाँ लिखा हुआ 1000 ही होगा, लेकिन ऐसा वो SK SAMA GFG में कोई अप टू नहीं है, आपका पूरा फ्लैट 10% ऑफ होगा। तो आप ये ले सकते हैं। अगर ये कोर्स आपको महंगा लग रहा है तो मैं आपको ये कोर्स सजेस्ट करूँगा। इसमें सिर्फ इंटर्नशिप का मौका नहीं है, ये FD का कोर्स है, इसमें कोटलिन से सिखाया जाएगा और ये सस्ता भी है थोड़ा, लेकिन क्योंकि इसमें आपको 10% नहीं, इसमें आपको 20% ऑफ मिलेगा। इसमें आपको कूपन यूज़ करना पड़ेगा SK SAMA 20, तो 20 यूज़ करें तो इसमें 20% ऑफ हो जाएगा, ठीक है। और इसके जो इंस्ट्रक्टर है, इनका नाम है सिद्धार्थ गोयल, ये खुद GSOC क्रैक किए थे 2019 में, तो आपको GSOC का भी एक आइडिया मिलेगा कि अच्छा GSOC में ऐसे से इन्होंने काम किया था, ये किया था, ये FD से ही GSOC क्रैक किए थे, तो ये आपको बेस्ट यही बता सकते हैं क्या करना है, ठीक है। तो आप आगे इसको चेक कर सकते हैं। और ये भी अगर महंगा लग रहा है तो और भी बहुत सारे कोर्स हैं, यहाँ आप आगे देख सकते हो 699 699 999, बहुत सारे कोर्स आप आके देख लो अपने पसंद का। कोई भी कोर्स अगर सेलेक्ट करोगे तो उसमें आप SK SAMA GFG यूज़ कीजिएगा, फ्लैट 10% ऑफ हो जाएगा। सिर्फ इस कोर्स में एंड्रॉयड डेवलपमेंट में आप SK SAMA 20 यूज़ कीजिए, मस्ट 20% ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो आइए अब इंटरव्यू की तरफ वापस बढ़ते हैं। तो भैया क्या आप हमें अपना प्रपोजल GSOC के लिए दिखा सकते हैं, या बहुत लोग जिसे एप्लीकेशन बोलते हैं, क्या उसे दिखा सकते हैं और उसका एक ब्रीफ समरी दे सकते हैं? मैं आपको अपना प्रपोजल मैं दिखा सकता हूं, अगर मैं आपको दिखाता हूं कैसे बनाते हैं और क्या होना चाहिए उसमें, क्या क्या था। तो ये मेरा प्रपोजल था जो मैंने सबमिट किया था। तो इसको मैं आपको सेक्शन बता देता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले अपनी पर्सनल डिटेल्स बहुत ही शॉर्ट रखना होता है इसमें, सिर्फ 2-3 चीज़ें जैसे मैंने डाली हुई हैं, सिर्फ अपना नाम, एड्रेस और टाइम जोन बस। तो पर्सनल डिटेल का एक सेक्शन हो गया। एक इसमें मैंने एब्स्ट्रैक्ट का सेक्शन डाला है, ताकि मतलब आप क्या करना चाहते हो उसका बहुत छोटा सा ओवरव्यू, आप प्रोजेक्ट में क्या कंट्रीब्यूशन दोगे तो बहुत छोटा सा ओवरव्यू देना होता है एब्स्ट्रैक्ट में। तो एक ये सेक्शन हो गया। एक होता है करंट स्टेटस, मतलब अभी जो प्रोडक्ट है उसमें क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसे कैसे इम्प्रूव हो सकता है वो, तो उसमें ये सब आपको डालना होता है करंट स्टेटस में, कि क्या क्या आपने देखा, क्या क्या आपने अपने हिसाब से एक्सपीरियंस के हिसाब से देखा कि क्या इम्प्रूव हो सकता है इसमें। तो ये प्रोजेक्ट गोल्स होते हैं कि जो मतलब आप पूरे आपको मतलब उनको विश्वास दिलाना होता है कि आप जो 3 महीने में या 2 महीने में आप जो काम करोगे तो ऐसा क्या होगा कि हम उसे डिवाइड कर सकें फेजेस में। तो प्रोजेक्ट गोल्स में एक उनका पॉइंट्स होते हैं कि क्या क्या आप करोगे, तो एक पॉइंट वाइज आप इसमें प्रोजेक्ट गोल्स में लिख सकते हो। और इम्प्लीमेंटेशन आइडिया कि आपने ये तो बता दिया कि मैं ये इम्प्रूव करूँगा, पर वो करोगे कैसे, और मतलब क्या क्या आपको हेल्प चाहिए होगी, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी चाहिए होगी। तो और एक ये होता है मॉकअप, मॉकअप मतलब एक छोटा सा कि मतलब ये मैंने जैसे वेब डेवलपमेंट कहते हो
कि मैं ये ऐसा बनाना चाहता हूँ, मॉकअप बिल्कुल फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता है, बस एक होता है कि चाहते क्या हो आप, क्या करना चाहते हो, सिर्फ वो दिखाना। तो इस पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, छोटा सा एक आपको यूआई बना के आप डाल सकते हो कि आप नहीं करना चाहते हो। और उसके बाद हाँ, ये टाइमलाइन सेक्शन ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपना काम कैसे डिवाइड करोगे फेजेस में। मतलब एक जैसे फर्स्ट फेज से कम्युनिटी बॉन्डिंग पीरियड से, मतलब फर्स्ट फेज के बीच में आप कैसे कैसे काम करोगे, किस किस पे काम करोगे, क्या क्या काम करोगे। तो इसमें जैसे मैंने डाला हुआ है फर्स्ट कम्युनिटी बॉन्डिंग, उसके बाद जैसे इस May 4 से May 12 तक ये काम करेंगे। और आप मैंने ऐसे ये भी डाला है कि मेरे को मेरे एग्जाम्स होंगे तो उसके लिए मेरे को ब्रेक चाहिए। तो ये सब आप टाइमलाइन में डाल सकते हो, डिवाइड करके कि आप क्या क्या काम करना चाहोगे। तो ऐसे ऐसे तीन इवेल्यूएशन थी, तो तीन इवेल्यूएशन के हिसाब से डिवाइड करा। अब तो शायद दो इवेल्यूएशन है सिर्फ, तो उस हिसाब से आपको टाइमलाइन बनानी पड़ेगी। और अबाउट मी में आप अपने बारे में लिख सकते हो कि मतलब अबाउट मी में मोस्टली यही लिखना कि आप क्या क्या कर चुके हो अभी तक, किस किस में एक्सपीरियंस है। तो जैसे मैंने अपना थोड़ा बहुत ओवरव्यू दिया हुआ है, तो अबाउट मी में छोटा सा अपने बारे में ब्रीफ आप दे सकते हो। और एक फ्रीक्वेंटली, ये मतलब मैंडेटरी नहीं है, इसमें मैंने डाल दिया था कि इसमें थोड़े होते हैं ना कि जीसॉक में आप पहली बार अप्लाई कर रहे हो नहीं कर रहे, तो वो शायद जीसॉक की आप जब रजिस्टर करोगे उसमें भी ये क्वेश्चंस पूछते हैं, तो मैंने यहाँ पे भी ये सेक्शन डाल दिया था। तो ये सब 8 से 10 पेजेस का मेरा वो था प्रोजेक्ट प्रपोजल, और इस पर मैंने काम किया था। यस, क्या करोगे, क्या आपका आइडिया है, क्या क्या आप कॉन्ट्रीब्यूट करोगे, क्या इम्प्लीमेंटेशन रहेगी, कैसे डिवाइड करोगे काम, तो ये सब उनको बताना होता है। और प्रोजेक्ट प्रपोजल पे ना लास्ट मोमेंट पे बिल्कुल काम करना स्टार्ट मत करना। जैसे मान लो जैसे कल मेरे को प्रपोजल देना है और आज मैं बना रहा हूँ, साथ साथ जैसे जैसे आप बात करोगे डिस्कस करोगे उस वक्त पॉइंट्स नोट करते रहो रफ में, और उस पर काम करना लग जाओ प्रपोजल पे। तो मतलब प्रपोजल पे जितना जल्दी काम करना स्टार्ट करोगे उतना अच्छा है। तो ये मेरी एक टिप है, अगर आप जब आप जी सॉक करोगे तो आपको हेल्प करेगी। तो भैया जाते जाते कुछ आप एडवाइस शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? मैं यही कहूँगा कि जब तक आप अपना प्रपोजल रेडी नहीं कर लेते ना लास्ट डेट तक, जब तक प्रपोजल, तब तक गिव अप मत करना। हर दिन आप चाहे क्वेश्चंस पूछो मेंटर से, जब तक आपको समझ नहीं आती ना एक चीज तब तक आप पूछते रहो मेंटर से, अपने दोस्त से, अपने फ्रेंड्स से, और कभी भी किसी से हेल्प लेने के लिए सीख मतलब घबराओ मत कि मैं कुछ पूछूंगा वो कुछ उल्टा कह देगा, मेरी बेइज्जती कर देगा। तो इसमें मतलब कभी भी शर्म फील मत करना कि आप किसी से हेल्प ले रहे हो या किसी आपको कुछ आता नहीं है। अब मेरे साथ भी यही था, जैसे अगर मेरे को लिनक्स चलाना नहीं आता और मैं एक लिनक्स ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, मेरे को लिनक्स चलाना नहीं आता, तो कितनी मतलब शर्म की बात है। तो पर मैंने हेजिटेट नहीं किया, मैंने उन्हीं से ही पूछा, मैंने कहीं यूट्यूब वगैरह से नहीं, मैंने अपने जो प्रॉब्लम है मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स को बताई कि मेरी ये प्रॉब्लम है, कि मेरे को इसमें दिक्कत है, मेरे को ये नहीं आता, और उन्होंने मेरे को हेल्प करी। तो अगर मैं वहीं गिव अप कर देता तो शायद मैं भी चीज़ ऑफ ना कर पाता। तो कुछ भी आपको इशू, कोई भी इशू है, बिल्कुल इंस्टेंट गिव अप मत करो जब तक आप ट्राई नहीं कर देते। और चीज़ ऑफ के लिए जब तक आप प्रपोजल पूरा रेडी नहीं कर देते ना लास्ट तक, तब तक आप गिव अप मत करो। मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जिन्होंने पूरा मत कॉन्ट्रीब्यूट किया और प्रपोजल सबमिट नहीं करा कि उनको लगा कि हमने कुछ मतलब ऐसे कुछ काम किया ही नहीं। तो अपना प्रपोजल बनाओ पूरा और सबमिट करो, ट्राई देने में क्या है, कुछ भी नहीं जा रहा ट्राई करने में। तो मेरा यही है कि हमेशा सीक आउट टू अदर्स फॉर हेल्प, एंड हमेशा अपना बेस्ट दो और गिव अप मत करो, अपना ट्राई देते रहो। सबसे बेस्ट बात तो ये है कि ऑनलाइन है, कुछ भी हो जाए, बिजी हो गई तो हो गई, मिलना तो हाँ, सबसे बड़ी बात है किसका क्या जा रहा है, मिलना नहीं, कुछ हो गया तो हो गया, बस ये दिमाग में डालनी चाहिए बात। तो नमन भैया थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, आपसे बात करके मुझे काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू बुलाने के लिए, बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे भी, थैंक यू सो मच। तो आज का इंटरव्यू हम यहीं ख़त्म करते हैं। नमन भैया का सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, गिटहब, सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेक जरूर करना। कुछ डाउट वाउट हो तो नमन भैया को मैसेज कर देना, लिमिट में करना कि वो भी कंफर्टेबल रहे, मतलब हड़बड़ा के मैसेज मत करना, ठीक है, वो भी बिजी रहते हैं, ठीक है। तो इतना ही, और ये जीसॉक वाले जो वीडियो सीरीज़ है इसको बनाने में मेरा एक दोस्त है यश बरनवाल, वो काफ़ी मेरा मदद कर रहा है, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इंस्टाग्राम और लिंक्डइन का, तो जाके उसको फॉलो कर लेना, ठीक है। तो इस सीरीज़ में जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम एक ऐसे बंदे का इंटरव्यू लेंगे जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में पहले था और फिर वो शिफ्ट हो गया, जीसॉक 2020 क्रैक किया था,
तो उसका क्या स्टोरी था, उसने क्या क्या किया था, कहाँ से क्या क्या सीखा था, तो ये हम अगले वीडियो में जानेंगे। अगले वीडियो भी एक हफ्ते के अंदर आएगा ही, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन जरूर दाब दीजिएगा, और कुछ क्वेश्चन वेश्चन पूछना हो तो वो आप डिस्क्रिप्शन में दे दीजिएगा, मैं पूछ लूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं, ध्यान रखिए, सेफ रहें, बाय बाय।